ACL लिगामेंट। घुटने में बेसिकली चार लिगामेंट होते हैं जिसकी वजह से घुटना एकदम स्टेबल होता है। ये बाहर का जो है वो LCL है, अंदर का जो है वो MCL है, पीछे से जो आगे जाता है वो PCL है, आगे से जो पीछे जाता है वो ACL है। ये ACL लिगामेंट ही सबसे ज़्यादा टूटता है। इस घुटने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें है जो है वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो जॉइंट पॉलिश होता है, जिसको ल्यूब्रिकेशन की वजह से हमें मूवमेंट फील नहीं होती है। ये एक बार ख़राब हो जाए तो ये फिर से रीजनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये पॉलिश घिसना नहीं चाहिए, इसलिए हमारे पास है घुटने के अंदर मेनिस्कस होता है, जिसको हम घुटने की गद्दी बोलते हैं, जो शॉक एब्सॉर्प्शन का काम कर रहा है। अब इमेजिन करिए ACL टूट गया और घुटना जो है वो इम्बैलेंस हो गया, तो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जॉइंट कैप्सू जो जॉइंट पॉलिश एंड ये जो मेनिस्कस गद्दी है वो फट जाएगी। और ये एक बार फट गई तो तुम्हारा जो नेचुरल प्रोग्रेशन बॉडी का जो होता है आर्थराइटिस के टूवर्ड्स, वो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस हो जाएगा। इसीलिए ACL लिगामेंट के इंजरी के बाद इनिशियली पेन होता है ब्लीडिंग की वजह से, वो पेन चला जाता है बट इंस्टेबिलिटी परसिस्ट करती है। इस जब अगर पेन चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा घुटना आपका घुटना ठीक हो गया है, बट इंस्टेबिलिटी अगर है, इसका मतलब है ये एक रेड फ्लैग साइन है कि आपको कुछ करना चाहिए। जब ACL टेयर का पेशेंट मेरे पास आता है तो यूजुअली मेरा अप्रोच यही होता है कि अगर पेशेंट फिजिकली एक्टिव है और उसको इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स है, क्लिनिकली मेरे को लग रहा है सिग्निफिकेंट टेयर है और MRI भी वही सजेस्ट कर रहा है, तो यूजुअली हम इसके लिए सर्जरी, ऑर्थ्रोस्कोपिक मतलब जो दूरबीन वाली सर्जरी, वो सजेस्ट करते हैं। हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, या हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं या हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूजुअली रिपेयर तब करते हैं जब इंजरी अर्ली हो या फिर उसका स्टम्प जो है ACL अच्छे से मेंटेन्ड हो, एंड टू एंड अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, या फिर ये हड्डी के साथ उखड़ गया हो। रिकंस्ट्रक्ट हम तब करते हैं जब रिपेयर की कोई गुंजाइश ही नहीं है और हमको इसको एक स्टेबल नी देना है, और हम सोचते हैं कि अगर हम रिपेयर भी कर दें तो हीलिंग ना हो पाए तो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमको वो जो खराब लिगामेंट है उसको निकालना है, उसके जगह पे नया एक लिगामेंट डालना है। ये नया लिगामेंट जो होता है यूजुअली हम हमारे ही बॉडी में जो एक्सेस टेंडन्स होते हैं उसको निकाल के उसका ही ग्राफ्ट बनाते हैं, और वो ग्राफ्ट हम उसकी जो नॉर्मल जगह है वहाँ पे फिक्स करते हैं। अब इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट एक डिक्टम यही है कि अगर आपका ACL टूटा हुआ है और अगर आप एक्टिव हो, एक्टिव लाइफ जीना चाहते हो, सो इट इज़ बेटर टू गेट इट रिपेयर्ड और रिकन्स्ट्रक्टेड। कुछ कंडीशंस में जब तुम्हारी लाइफस्टाइल एक्सीडेंटरी है या फिर टूटने के बावजूद तुम्हारी जॉइंट की मूवमेंट या इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि, या फिर पार्शियल टेयर है तो हम सोच सकते हैं कि बिना सर्जरी के इसको हम आगे बिना सर्जरी के भी हम इसको ट्रीट या फिर हम इसके साथ जी सकते हैं।